हमने डाला जीरा, जीरा थोड़ा पिंक होने के बाद अंदर जाता है कड़ी पत्ता, फिर इसके अंदर वन बाय वन सबसे पहले जाएंगे हमारे ऐसे सिंगदाना। ओके, यू कैन सी कि हमने इसे रोस्ट करके लिया है, ये बहुत ही जरूरी है रोस्टेड। थोड़े हमने होल रखे हैं और थोड़ा हमने सेमी क्रश कर लिया है। सो अच्छे से सिंगदाना को ऑयल में एक मिनट तक सौते करेंगे। यस, उसके बाद वन बाय वन जिंजर, फिर ऐड करेंगे ग्रीन चिली, तीखा एज पर योर चॉइस, आपको कितना तीखा खाना है उस हिसाब से आप ले सकते हो। और ये स्टेज पे फ्लेम को आपको स्लो कर देनी है। ओके, फिर अंदर जाएगा हमारा ऐसा फाइनली चॉप पोटैटो। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, तो मैंने पोटैटो बॉइल करके लिए है। अदरवाइज आप ये स्टेज पे कच्चे पोटैटो भी ले सकते हो और फिर उसे 10 मिनट के लिए ढक के कुक होने दो तो भी चलेगा, या फिर बॉइल पोटैटो भी चलता है। एक बहुत ही अच्छी जो फरारी डिश की फ्रेग्रेंस होती है उसमें अदरक अच्छे से जाता है, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता का चोक होता है, वो मेरे किचन में बहुत अच्छे से आ रही है। हल्का सा मुझे लग रहा है कि ऑयल की ज़रूरत है, जैसे अभी मेरा आलू पैन में चिपक रहा है, बिकॉज साबूदाना एक्स्ट्रा ऑयल ज़्यादा कंजप्ट कर लेता है, तो इसीलिए हल्का सा ऑयल। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर। सी, आज का मेरा एक क्वेश्चन है कि ये पेपर पाउडर और अदरक, ये कलिनरी मतलब कि साइंस जो होता है उसके रिगार्डिंग मैंने डाला है, तो वो साइंस क्या है? ब्लैक पेपर पाउडर एंड अदरक इसमें क्यों जाता है वो आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको करेक्ट रिप्लाई देती हूँ और हमारे विनर्स को मिलेंगे स्वाद की ओर से अश्योर्ड गिफ्ट। वापिस एक मिक्स देते जाएंगे और अंदर ऐड करते जाएंगे हमारे सोख साबुदाना। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम बहुत एक सीक्रेट टेक्निक देखने वाले हैं कि जो नॉर्मली सबकी कंप्लेन रहती है कि मेरा साबुदाना चिपक जाता है, मेरा साबुदाना खिलता नहीं है, वो वाली टेक्निक। और वो टेक्निक का और एक प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आपको बल्ब में बनाना है तो आप सबको गरम गरम खिला सकते हो, बिल्कुल बिना चिपके वाली खिचड़ी। ओके, सी अभी मैंने फ्लेम ऑफ कर देनी है। ओके, और मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। साबुदाना सोक करने के लिए सबसे पहले तो साबुदाना को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर उसके बाद आप थाली, परात या ऐसा फ्लैटन वाला जो बोल होता है उसमें ही साबुदाना सोक करना है, बिकॉज वो जितना बोल में अंदर रहेगा ना तो ऊपर का साबुदाना अच्छे से सोक नहीं हो पाएगा और नीचे का एक्स्ट्रा सॉगी हो जाएगा इसीलिए। फिर उसके अंदर हमने एक चम्मच दही डालना है, बहुत ज़रूरी है, दही से आपको एक टेस्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपके साबुदाना की वाइटनेस भी अच्छे से रिटेन रहेगी। फिर उसे 3 घंटे के लिए आपको सोक करके रखना है, पर आधे घंटे या 1 घंटे के बाद साबुदाना को हाथ से थोड़ा ऊपर नीचे मिक्स दे दो, और अगर वो बहुत ड्राई हो गए हैं तो हल्का सा पानी उस पर छिड़क दो। ओके, सो क्लियर? यस। अब क्या होता है कि साबुदाना का खट्टा मीठा टेस्ट सबको अच्छा लगता है। नोटिस कीजिए मेरी फ्लेम अभी ऑफ ही है। ओके, सो अच्छे से मसाला कर लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप। तो ये गया मेरा लेमन जूस एज पर योर टेस्ट, और पर्सनली तो मुझे कम पसंद है बट थोड़ी सी शक्कर जाती है, सो मैं डालूंगी थोड़ी सी शक्कर। साथ में जाएगा सिंधाउ सॉल्ट, सिंधालू नमक या फिर ब्लैक सॉल्ट, उपवास में वो ही खाया जाता है। सो हम ऐड करते जाएंगे सिंधालू नमक, इसकी खारास हमारी रेगुलर नमक से थोड़ी कम होती है।
और वो खाने में भी ज्यादा बेस्ट है। ओके, सो ऐसे मिक्स देते जाएंगे। यस, अभी बारी है सीक्रेट की, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे मेरे पास है स्टीमर, यू कैन सी। मैंने क्या किया है कि ऐसा नीचे पानी है और ऐसी मेरे पास जाली है, आप कोई भी नॉर्मल स्टैंड रख सकते हो, उसको मैं इधर रख दूंगी और पानी को अच्छे से गर्म होने देना है। फिर क्या करेंगे, ये फ्लेम अभी हमारी ऑफ ही रहेगी, ये हमारी एक बेसिक प्रिपरेशन डन हो गई है। ओके, फिर जैसे मैंने बताया था कि आपको पोर्शन वाइज गरम गरम सर्व करना है, तो ऐसा बोल लेना है और ये पूरा बोल मैं स्टीमिंग के अंदर रख दूंगी। यस, ये प्रोसीजर से अभी अच्छे से मसाले अंदर मर्ज हो जाएंगे और आपके साबूदाने कभी चिपकेंगे नहीं, एंड द मेन थिंग ऑयल भी बहुत कम जाएगा। वैसे पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है घी, सो यहाँ पे मैं साथ में हल्का सा अंदर ऐड कर रही हूँ घी और इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे। फिर 5 मिनट बाद हमें यही साबूदाना को हल्का सा चम्मच से ऊपर नीचे करना है ताकि सारे साबूदाना हमारे अच्छे से कुक हो जाए। ओके, साबूदाना के साथ नॉर्मली ये फरारी चेवड़ा सर्व होता है। ओके, ऐसा रेड वाला जो खट्टा मीठा एंड तीखा होता है, सो एक क्रंची पन चाहिए, एक करारापन, वो ऊपर से ये चेवड़े से हमें मिल जाएगा। साथ में उपवास में सर्व होता है दही। साबूदाना थोड़ा ड्राई होता है खाने में और साथ में दही का इंटेक हमारी जो पूरी फास्टिंग की जो बॉडी की सिस्टम है उसे बैलेंस करता है। सी, मेरा क्वेश्चन था कि इसमें जिंजर एंड ब्लैक पेपर क्यों जाता है, उसका कोई रिप्लाई आया? ये कलिनरी साइंस से है। ओके, मैं ही बता देती हूँ कि अदरक एंड ब्लैक पेपर हेल्प करता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में। साबूदाना और आलू दोनों का एक नेचर है कि दोनों गैस्ट्रिक है, जिससे गैस की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है, सो अंदर ब्लैक पेपर एंड जिंजर डालने से वो बैलेंस होता है। ओके, से इसे हम देखते जाएंगे। यस, वाओ, कितना अच्छे से खिल गया है और इसे हमने ऐसे ऊपर नीचे भी कर लिया है। जैसे रोड साइड पे साबूदाना मिलते हैं, सावरिया साबूदाना जो बहुत ही फेमस है, वो लोग भी यही टेक्निक से काम करते हैं, मसाला करके रखते हैं और फिर ऐसे गरम गरम आपको स्टीम करके देते हैं। ऑलमोस्ट इट्स डन, सो मैं इसे निकाल दूंगी। यहाँ पे हमने ले लेना है ये फ्लेम ऑफ और साथ में सर्विंग के लिए मैंने रखा है वुडन बोल, सो इसमें मैं रखती जाऊंगी। कितना अच्छे से वाइट है हमारा साबूदाना और एकदम दाने अच्छे से कुक भी हो गए हैं और एकदम खुली खुली भी हमारी खिचड़ी बन गई है। यस, ओके, साथ में लेमन इसके साथ अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, सो यहाँ पे हमने रखना है थोड़े ऐसे लेमन, साथ में थोड़ा धनिया और मेन थिंग इसके साथ जो चेवड़ा खाया जाता है वो। ओके, सो झटपट से बन गई हमारी परफेक्ट फराली साबूदाना खिचड़ी।
सो कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी? कल अग्यारस है, सबके घर में फास्ट होगा, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। कैसी बनी है वो हमें फीडबैक ज़रूर से भेजिए। और एज ऑलवेज मेरा LSS लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। ओके, बाय बाय।